गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन अबाउट द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज फर्स्ट ऑफ चैप्टर नंबर 12. ओके, ओनली वन एक्सरसाइज इज गिवन इन दिस चैप्टर, सो लेट अस स्टार्ट दिस एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज आइडेंटिफाई द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज इसमें जो भी स्टेटमेंट दिया है इसमें हम लोग बताएंगे कि कौन इसमें कॉस्ट वैल्यू है, इट मीन्स कॉस्ट प्राइस है, और कौन सेलिंग प्राइस है. मिस्टर शर्मा बॉट अ लैपटॉप फॉर 36,250 रुपीज. मिस्टर शर्मा ने एक लैपटॉप खरीदा जिसका कॉस्ट क्या है, 36,250 रुपीज था. ओके, एंड सोल्ड इट फॉर 32,500. तो इसमें क्या होगा, ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा. जिस जो मतलब खरीदा जाता है वो कॉस्ट प्राइस है, और जो इसने में बेचा जाता है वो क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है. ओके, नेक्स्ट, अ शॉपकीपर बॉट अ शर्ट फॉर दिस. तो खरीदना यानी कि कॉस्ट प्राइस, एंड सोल्ड इट फॉर 670 रुपीज, ये है सेलिंग प्राइस. ओके, इस तरह से कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस हम इजीली फाइंड कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज फाइंड द सेलिंग प्राइस इफ. यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दिया है और प्रॉफिट दिया है, तो सेलिंग प्राइस हम लोग कैसे निकालेंगे, तो सेलिंग प्राइस दिस इक्वल टू सीपी, इट मीन्स कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. ओके, दिस इंप्लाइज सेलिंग प्राइस दिस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इज 985 रुपीज एंड प्लस प्रॉफिट रुपीज 25. दिस इंप्लाइज सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू रुपीज 5 + 5 10 का 0 कैरी 1, 8 + 2 10, 10 and 1 11 का 1 कैरी 1, 9 and 1 10. इट मीन्स 1010 रुपीज विल बी द टोटल सेलिंग प्राइस. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड इज फाइंड द कॉस्ट प्राइस इफ सेलिंग प्राइस इज गिवन 2,725 रुपीज एंड प्रॉफिट भी 550 रुपीज. अंडरस्टैंड, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस. सिंस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, दिस इंप्लाइज कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इज गिवन 2,725 एंड माइनस प्रॉफिट इज गिवन रुपीज 550. दिस इंप्लाइज कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू रुपीज 5 - 0 5, 2 - 5 इट मीन्स 2 विल टेक वन बोरो फ्रॉम 7, 12 - 5 इज इक्वल टू 7, एंड 6 - 5 इज इक्वल टू 1, एंड 2, इट मीन्स 2,175 विल बी द टोटल कॉस्ट प्राइस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज तनवीर बॉट अ बाइसाइकिल फॉर 2,290 रुपीज. तनवीर ने एक साइकिल खरीदा जिसका कॉस्ट क्या था, 2,290 रुपीज था. ही सोल्ड इट फॉर 1,600 रुपीज. फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस. देखिए इसका कॉस्ट प्राइस यानी कि खरीदा, इसका मतलब इसका कॉस्ट प्राइस कितना है, रुपीज 2,290. उसका सेलिंग प्राइस कितना है, तो सेलिंग प्राइस है रुपीज 1,600. तब इसमें आपको बताना है कि इसमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ. तो हम देख रहे हैं कि सीपी क्या है, सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, यानी कि सीपी का वैल्यू जो है एसपी से ग्रेटर है, तो इस कंडीशन में लॉस होगा. और लॉस वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, तो सीपी माइनस एसपी, इट मीन्स कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस जो भी आएगा वो लॉस हो जाएगा. तो लॉस इक्वल टू सीपी का वैल्यू क्या है, 2,290 रुपीज एंड माइनस सेलिंग प्राइस रुपीज 1,600. दिस इंप्लाइज लॉस इक्वल टू रुपीज 0 - 0 0, 9 - 0 9 एंड 12 - 6 6
एंड 1 - 1 = 0, इट मीन्स 690 rupees विल बी द लॉस इन दिस सिचुएशन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज, मिसेज गोस्वामी बॉट अ कैलकुलेटर फॉर ₹538. सी स्पेंड ₹90 ऑन इट्स रिपेयर्स. देखिए मिसेज गोस्वामी ने क्या की, एक कैलकुलेटर खरीदी कितने रुपए में, ₹538 में, एंड सी स्पेंट ₹90 ऑन इट्स रिपेयर, और उन्होंने इसके रिपेयर में कितना रुपया खर्च किया, ₹90 खर्च किया. सी लेटर सोल्ड द कैलकुलेटर ऑफ फॉर ₹640. उसके बाद से उन्होंने ₹640 में उसको क्या कर दिया, सेल कर दिया, बेच दिया. डिड द मेक अ प्रॉफिट और लॉस एंड हाउ मच. यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ सेलिंग करने के बाद से, और प्रॉफिट या लॉस हुआ तो कितने का हुआ. देखिए यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, ये कैलकुलेटर का खरीदा गया मूल्य है, ठीक है ना, और उसके बाद से रिपेयरिंग चार्ज जो है ₹90 है, तो दोनों को हम प्लस करेंगे तो वो टोटल कॉस्ट प्राइस होगा. तो 538 प्लस 90 क्या होगा, 0 + 8 = 8, 9 + 3 = 12, कैरी 1 एंड 5 + 1 = 6 rupees. इट मीन्स कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, ₹628. एंड सेलिंग प्राइस इज गिवन, सेलिंग प्राइस क्या दिया है, ₹640. यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि CP क्या है, CP इज लेस देन SP, यानी कि CP SP से लेस है, इस कंडीशन में प्रॉफिट होगा. तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP. दिस इम्प्लाइज प्रॉफिट इक्वल टू SP. SP का वैल्यू क्या है, ₹640, एंड माइनस CP का वैल्यू क्या है, ₹628. दिस इम्प्लाइज प्रॉफिट इक्वल टू 10 - 8 = 2 एंड 3 - 2 = 1, इट मीन्स ₹12. ऐसे हम लोग अदर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इस एक्सरसाइज से रिलेटेड. ओके डियर स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन अबाउट द नेक्स्ट चैप्टर. थैंक यू.